हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे के पशु बाजार में जहां तीजा मेला का मुख्य आकर्षण रहता है, वहां विभागीय मिलीभगत से बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी की जा रही है। सैकड़ों दुकानों, झूला, चरखी, जादू, सर्कस आदि स्थानों में सीधे बिजली के खंभों से लाइट जोड़ दी गई। 3 दिन चलने वाले मेले में लाखों की बिजली व्यर्थ में ही खर्च हो जाएगी, जिसका कोई भुगतान करने वाला नहीं है। सुमेरपुर कस्बे के लोगों ने बताया कि विशाल मेला चोरी की बिजली से जगमगा रहा है। मेला ग्राउंड और नौटंकी दंगल वाले स्थान में प्रकाश की व्यवस्था के लिए 2 जगह से सीधे खंभों से लाइट जोड़ दी गई। सभी दुकानदारों को प्रकाश और पंखे चलाने के लिए बिजली मुहैया करा दी गई है। बड़े बड़े झूले, चरखियां बिजली से ही चल रहे हैं, उसके लिए बाकायदा दुकानदारों से मनचाहा पैसा वसूला गया, लेकिन बिजली मुफ्त में खर्च की जा रही है। विभाग यह सब जानकर भी अनजान बना हुआ है। लोगों का कहना है कि अधिकारियों की मिलीभगत के चलते सरकार को लाखों का चूना लगने वाला है। खुलेआम बिजली की चोरी हो रही है, मगर कोई रोकने वाला नहीं है। जनपद हमीरपुर में बिजली विभाग के लोग जब आम जनता को जबरन जो उत्पीड़ित करते हैं, उस जगह पर कार्रवाई करते हैं, तो निश्चित रूप से ये मेले में दी गई बिजली इन अधिकारियों के सहयोग से दी जा रही है। ये अवैध वसूली जो है अधिकारियों द्वारा की जा रही है, इसमें इसीलिए राजस्व का नुकसान करते हुए इसमें मेला प्रांगण में जो है बिजली जो है अवैध रूप से दी गई है। इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए, इसमें एक जाँच करने के बाद कड़ी कार्रवाई तत्काल शासन को करनी चाहिए।